यकीन
तौर पर कसम इंतहाई अहमियत वाली और सब वाली चीज की कसम याद की जाती है। बड़ी अहमियत वाले ये तस्दीन है जिनके ताला के लिए दसराते अल्लाह ने जिनकी कसम याद करवाई। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक साल तमाम के दिनों में ज़िलहिज्जा की इब्तदाई जो तस्दीन है पहली तारीख से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक तस्दीन मुकम्मल होते हैं। ये जो तस्दीन दसराते जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदा इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। ये बंदे का अल्लाह की इबादत करना इन दिनों में रब तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदा दीगर और दिनों में आमाल करे इबादतें अंजाम दे। यहां तक कि सहाबा इकराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज्यादा बेहतर और पसंदीदा है इन दिनों में अमल करना इबादत करना खैरात और सदकात करना दीगर सुन्नतें और नवाफिल का इंतजाम करना दीगर इबादतों का इंतजाम करना और दिनों में जिहाद करने से भी ज्यादा बेहतर है। बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अल्लाह पर जिहाद का क्या मामला होगा दीगर दिनों में जिहाद करने से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को यह बात पसंद है कि बंदा इनकी दिलहिज्जा के इब्तदाई तस्कीरों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अंजाम दे। मगर फरमाया इल्ला ये कि बंदा राह खुदा में जिहाद करे और फिर उसकी जान काम आ जाए यानी वो जाम शहादत पहुंचे उसकी फजीलत कुछ सिवा है उसका मामला कुछ और है। इसके सिवा महज राय खुदा में जिहाद करने का भी जो अमल है उससे ज्यादा बेहतर दिलहिज्जा की इब्तदाई 10 दिनों में बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अंजाम दे। इबादतों के अहतमाम के हवाले से दीगर और इबादत वहां पर नवाफिल नफल रोजों के अहतमाम की भी बात हो जिससे साहिब हिम्मत साहिब हौसला लोग हैं अहतमाम करने वाले करते भी हर रोजे का सवाब एक साल के रोजे के बराबर मिलता है। यहाँ तक के रातों की इबादतों का सवाब भी दे दिया कि इब्तदाई 10 दिनों की जो रातें हैं उन रातों का सवाब भी उन रातों की इबादतों का सवाब भी शबे कदर में इबादत जैसा इतनी फजीलत वाली है। दिन और रात है इन रातों में खूब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अल्लाह तआला की इबादत खुद रब तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगों को चाहिए कि लोग अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें तकबीरात का इस्तेमाल करें अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है तकबीरात कि बंदा अल्लाह तआला की किबरियाई बयान करे अल्लाह तआला की तकबीर बयान करे ये इतना पसंद है अल्लाह तबारक व तआला को तभी तो हमारे लिए नमाज़ों की अदायगी में हमें मसनू यही रखा गया कि एक हैरत से दूसरी हैरत में मुंतकिल होने के लिए तकबीरात अल्लाह हू अकबर वह सुभान अल्लाह बोलते हुए भी रुकू में जा सकते हैं आप सुभान अल्लाह कहते हुए भी आप सजदे में जा रहे हैं अल्लाह अकबर कह रहे हैं फिर सजदे से दूसरे सजदे के लिए बैठ रहे हैं जलसे में अल्लाह अकबर कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है ये इन दिनों में खुसूसियत के साथ तकबीरात का इहतमाम करें पढ़ते रहे तकबीरात और खुसूसियत से तकबीरात की तशरीह ऐसा नहीं कि नौ दिन हिजाब की फजर से लेकर 13 दिन हिजाब की हर फर्ज नमाज के बाद चाहे जमात से पढ़ो चाहे तनहा पढ़ो तकबीरात तशरीह बोलना वाजिब है हर बंदे पर मर्द हो या औरत लेकिन उसका इहतमाम आप इब्तदाई दिन हिजाब से कर सकते
अपने अज़कार में शामिल कर लें, अपने जिक्र अज़कार जो होते हैं उसमें शामिल कर लें। अल्लाह ताला का जिक्र है, बंदा अल्लाह से जुड़ा रहेगा, अल्लाह का जिक्र भी जारी रहेगा। इस तरह से कराम पाक अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को अल्लाह का जिक्र करें। इन चंद दिनों में, गिनती के दिनों में, जिक्र जाके इब्तदाई 10 दिनों में उस हुक्म पर अमल भी हो जाएगा और ये दिन अल्लाह के जिक्र और अज़कार में भी गुजरेंगे। जिस तरह से अभी तबाक में उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है ये बंदा जिन जाके इब्तदा की 10 दिनों में अल्लाह की इबादत अंजाम दे, उस पर भी अमल हो जाएगा। जी ये दिन बड़े जिक्र और अज़कार के और इबादतों के इहतमाम के दिन है। इसका इहतमाम करें खुसूसियत के साथ। जब नौ तारीख की पेजा की आएगी, जिस तरह के अभी इस साल हमारे पास में हफ्ते को ईद उल अज़हा 10 तारीख को ईद उल अज़हा होती है, और ईद जो है 10 तारीख को होती है उससे एक दिन पहले यानी आइंदा जुमा होगा तो हम आधे का दिन होगा, बड़ी असर वाला दिन है वो। उस 9 तारीख की फजर से तकबीरात तशरीफ शुरू हो जाते हैं, जो आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है तो सिर्फ फर्ज नमाज के साथ ही नहीं, आप वो पढ़ने तो वाजिब ही है लेकिन अपने सुबह शाम के औकात में भी उस जिक्र को पढ़ें। अपने लिए आप अपनी आदत बना लें, वतीरा बना लें और उसको अपने मामूलात में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह उसकी खूब बरकतें आपको नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप पर लुत्फ करम फरमाए। मौला तबारक व तआला हमारे अंदर ईसार और कुरबानी का जज्बा पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा की इंतजार के साथ में कुरबानी के मसाइल के मुताबिक दूसरे दिन कुरबानी भी होगी और उसकी कुरबानी की अहमियत और उसकी मकसदियत पर इंशाअल्लाह कुछ बातें आप सब इंशाअल्लाह।